हेलो दोस्तों, आज हम दो स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला है दोस्तों डी मार्ट, जो डेली 100 रुपीज़ टूट जाता है दोस्तों, डेली 100 रुपीज़ टूट जा रहा है। और दूसरा है दोस्तों HDFC AMC, जो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है। यही दोनों स्टॉक के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत डीप डिस्कशन करूँगा, और एक न्यूज़ भी बताऊँगा दोस्तों डी मार्ट के बारे में। अगर आप खरीदे हो पहले से या आप पैसा लगाना चाहते हो तो ये न्यूज़ आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले हम दोस्तों डीमार्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, डीमार्ट दोस्तों एक बहुत ही अच्छा और फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है दोस्तों, और ये जब भी चलता है तो अप ट्रेंड में ही चलता है दोस्तों, कभी भी लोअर ट्रेंड में नहीं आता। और इसका जो दोस्तों 52 वीक हाई देखिएगा आप, तो दोस्तों 2560 रुपीज़ का बनाया था, और उसके बाद इसका जो लो है वो भी आप देख लो दोस्तों, 1226 का। लेकिन अभी जो इसका करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है 1800 का, और डेली दोस्तों इसमें 100 रुपीज़ का गिरावट हो रहा है। और किस वजह से गिरावट हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, डीमार्ट के बारे में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है, कम से कम ये आपको अवेयर होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है दोस्तों, महाराष्ट्र में जो मॉल्स है दोस्तों, उसको शट डाउन कर दिया गया है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि ये स्प्रेड नहीं होना चाहिए। और वहाँ के जितने दोस्तों सिटीज़न हैं वो पैनिक हो रहे हैं दोस्तों, किसी भी सामान को ख़रीदने के लिए। और ये भी, आप किसी भी मॉल्स में जाइए, किसी भी मॉल में जाओ दोस्तों, आपको पूरा मॉल खाली दिखेगा, कोई भी नहीं दिखेगा, चाहे सिटी सेंटर हो चाहे बिग बाजार हो, सब आपको खाली दिखेगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं सब घर में हैं, कोई भी बाहर जाने के लिए रेडी नहीं है दोस्तों। और देखिए, जब दोस्तों इसका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा डीमार्ट का, तो वो सेल्स में देखिएगा गिरावट देखा जाएगा आपको दोस्तों, सेल्स में आपको बहुत बड़ी गिरावट देखा जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गिर रहा दोस्तों, डीमार्ट जैसे शेयर गिर जा रहा है। और जब दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट का यहाँ पर जब आएगा रिजल्ट आएगा, तो ये जो सेल्स है, सेल्स में आपको गिरावट देखा जाएगा। यहाँ पर देख लो, क्वार्टरली रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट में आपको 13.66 का आपको जो है पॉजिटिविटी देखी जा रही है, लेकिन दोस्तों कोरोना वायरस के वजह से यहाँ पर आपको जो है नेगेटिव रिजल्ट देखा जाएगा, तो इसके वजह से आपको यहाँ पर नुकसान होने का और भी चांसेस है। देखिए, जब तक कोरोना हट नहीं जाता दोस्तों, IRCTC डीमार्ट ऐसे स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होता ही रहेगा। और एक बड़ी न्यूज़ ये है, मतलब बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, वो कौन सी न्यूज़ है मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। HDFC, यहाँ देख सकते हो HDFC AMC शेयर प्राइस का टारगेट, ठीक है, शेयर प्राइस का टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसका 6 टारगेट रखा गया है, 6 टारगेट है, ठीक है। पहला कितना दोस्तों, 2400, टू या फिर यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, 2700, 2700, 2900, 3000, 3000 यहाँ पर देख सकते हो। तो ये जो टारगेट आपको बताया जा रहा है वो बहुत ही कम है, मतलब कि दोस्तों अगर आप HDFC AMC जैसा अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको ज़्यादा मुनाफा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि देखो, अभी जो इसका करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है दोस्तों, 2299 चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये जो 99 है ये और 100 रुपीज़ टूटेगा, आप लिख के रख लो दोस्तों, ये 100 रुपीज़ और टूटेगा, चाहे आपको दोस्तों कुछ भी करना हो, मतलब कि फ्यूचर ऑप्शन या जो भी इंट्राडे करना हो कर लो, क्योंकि इसका प्राइस क्या होने वाला है, गिरने वाला है, इतना तो आप लिख के रख लो दोस्तों, ठीक है, इसका प्राइस तो गिरने वाला है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैं बोल रहा हूं। लेकिन एक बुरी न्यूज़ ये है, जिन्होंने HDFC AMC को हाईएस्ट प्राइस पे खरीदा होगा, उनको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिल पाएगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर देख लो, स्टॉक का जो हाईएस्ट प्राइस है दोस्तों 3800 है, अभी जो लोएस्ट प्राइस बनाया है दोस्तों 2000 के आसपास, देखिए 2000 आसपास, ठीक है। देखिए, मैं बोल रहा हूँ, अगर कोरोना वायरस इसी तरह जो है शांत नहीं हो पाया, तो दोस्तों इसमें फिर से वन मोर टाइम आपको जो है 2000 का देखा जाएगा, इसलिए मैं आपको बोला कि और भी प्राइस गिर सकता है, ठीक है। तो अगर गिरा, कोरोना वायरस की वजह से गिरेगा, अगर अगर कोरोना वायरस खत्म हो गया तो चलना स्टार्ट होगा। तो मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने खरीदा होगा 3800 के आसपास खरीदा होगा दोस्तों, और इसका टारगेट क्या रखा जा रहा है, मैक्सिमम टारगेट क्या है, वो 3000 के आसपास है, तो उन लोगों को नुकसान ही होगा जिन्होंने यहाँ हाइएस्ट प्राइस पर खरीदा, क्योंकि स्टॉक ज़्यादा ज़्यादा बाउंस बैक नहीं करने वाला, वो यहाँ तक ही बाउंस बैक करने वाला। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ,
ये यहाँ पर दोस्तों पूरा जो है रिपोर्ट में बताया जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए NSE, यहाँ पर देख सकते हैं NSE स्टॉक एक्सचेंज, HDFC AMC, ठीक है दोस्तों, फोरकास्ट करके आपको बताया जा रहा है HDFC AMC, HDFC AMC शेयर प्राइस टारगेट, ठीक है। शेयर प्राइस टारगेट क्या है, जो फर्स्ट टारगेट है वो कितना दोस्तों, 2400। अभी स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है दोस्तों, 2200 के, सॉरी 2200 के आसपास चल रहा है दोस्तों, ठीक है, 2200 के आसपास चल रहा है। और यहाँ पर देख लो जो पहला टारगेट दिया 2400, खरीदने से क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला। 2700 कुछ हो सकता है, ठीक है, कुछ हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये जो टारगेट है ये हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ही कम है, ठीक है। ये जो फर्स्ट यहां से अगर यहां तक देते हैं तो दोस्तों बहुत ही कम है, क्योंकि जिन्होंने हाईएस्ट प्राइस पर खरीदा होगा उनको तो भाई नुकसान होगा, क्योंकि यहां पर देख लीजिए हर एक चीज जो है आपको मेंटेन करके बताया जा रहा है, स्टॉक कब हाई गया था, लो गया था। तो अगर ऐसे स्टॉक नहीं चलेंगे दोस्तों तो मैं आपको बोल रहा हूँ निफ्टी और नीचे आ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा अगर आप ऐसे भी अच्छे स्टॉक की तलाश कर रहे हो, ऐसे HDFC AMC जैसे, डीमार्ट जैसे, तो मैं बोल रहा हूँ इनसे भी अच्छा दोस्तों और अराउंड 1000 रुपीज़ का स्टॉक है, 1000 रुपीज़ का स्टॉक है दोस्तों, 1K का मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से वो कम से कम, तो मैं बोल रहा हूँ 2% भी नहीं टूटा है दोस्तों, 2% भी नहीं गिरा स्टॉक, सोच लिए ये 2% है दोस्तों, ऐसी लिस्ट है। लेकिन क्या है, थोड़ा सा वेट करना है दोस्तों, जैसे ही मार्केट रिकवरी करना स्टार्ट करेगा, मैं बोल रहा हूं ऐसे ऐसे स्टॉक खरीदना है जिसमें आपको अच्छा से अच्छा बेनिफिट हो। देखो दो चीज होता है, एक तो पहाड़ बन जाता है, ठीक है, और दूसरा बच्चा रहता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको भी पहाड़ बनना है, जब इसको पहाड़ बनना है तो यहां से खींचना है, तो यहां से जब खींचेगा तो ये पॉइंट क्या है, हमें यहां पर पकड़ना है, जड़ पकड़ना है। और अगर आप आसमान पकड़ोगे तो फिर कहां जाओगे, पृथ्वी से बाहर तो नहीं जाना है ना भाई साहब। तो हमें यही करना है, जो स्टॉक का प्राइस बढ़ चुका है हमें उसको नहीं खरीदना है, जो स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है उसको खरीदना है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूं, अगर आप और भी अच्छे से अच्छे स्टॉक में निवेश करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हो, और वो जो स्टॉक बताया दोस्तों उसमें मैंने आपको एक बार वीडियो भी अपलोड करके बताया था। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा दोस्तों ये दोनों स्टॉक के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा। और एक बात दोस्तों, जब मार्केट बाउंस बैक करना स्टार्ट करेगा तो थोड़ा भी टाइम नहीं मिलेगा हमें कि कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए। और एक बात, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोस्तों ऐसे स्टॉक को खरीदना चाहते हैं जो ज़्यादातर बेनिफिट ना दे, ठीक है, तो वैसे लोग को वैसे स्टॉक में मत निवेश करो दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, मार्केट जैसे ही रिकवर करता है तो दोस्तों आपको अच्छा से अच्छा स्टॉक बताया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो ये व्हाट्सअप का नंबर है, ठीक है, फर्स्ट वाला जो नंबर है वो ये व्हाट्सअप का है, ठीक है, ये व्हाट्सअप का नंबर है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों वो जो नीचे वाला नंबर है ये कॉन्टैक्ट नंबर, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि आप एक मिस कॉल भी मार दोगे तो बहुत बड़ी बात है, और कुछ भी नीचे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हो किसी और स्टॉक के बारे में राय लेने के लिए, पूछने के लिए, क्वेश्चन आंसर करने के लिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा कमेंट एक ही स्टॉक के ऊपर आया तो हम जल्दी वीडियो बनाने के लिए कोशिश करेंगे।